लेक्चर नंबर 19 में जो हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास हैं, नंबर 1 मैक्सिमम वेलोसिटी, नंबर 2 मिनिमम वेलोसिटी, नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी, नंबर 4 वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, नंबर 5 शीयर स्ट्रेस। इसमें हम सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 19 में हमने ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी वीजी, जो आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर हम देखना चाहते हैं इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर आर की जगह पुट कर दें 0, तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। कैसे, ये देखें, यहाँ पे आर 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई कर सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ये आ जाएगी, अब इसी तरह अगर हमें देखना है हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी कब आएगी, तो अगर मैं यहाँ पे इस आर की जगह, यानी कि सिलेंडर के एक्सिस से 0 से ऊपर की तरफ मैक्सिमम जहाँ हमारा रेडियस आया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ कैपिटल आर, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर यहाँ पे भी आर ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो हमारी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि एट आर इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और एट R इज इक्वल टू कैपिटल R वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम, जो कि हमारे पास होगी 0। मैक्सिमम की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे बुक में बताई गई है। उसके बाद आगे कैलकुलेट किया गया है नंबर 3 पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसको देखते हैं ये कैसे है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेलोसिटी एन कैप ds, और जो वेलोसिटी है हमने अपनी उसको हमने देखा था कि ये r थीटा z में से सिर्फ z की डायरेक्शन में हमारे पास थी vz। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिर्फ vz, और यहाँ एन कैप किसको शो कर रहा है, जो इस वेलोसिटी यानी इसकी जिस तरह डायरेक्शन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट आया वो तो आ गया वी जी ई जी, और ये जो एन कैप है ये हमारे पास कैसे लेंगे इसको मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बस ये सिलेंडर है और ये हमारे पास जी एक्सिस है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर अगर हमने परपेंडिकुलर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं जिससे हम इसको कट करते हैं, ये प्लेट, इसको मैं शेडेड एरिया से शो कर रही हूँ इस तरह से, ये प्लेट है जो इसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इधर जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इट्स मीन हम लोगों ने यहाँ पर एन कैप जो है वो ये लेना है, इसको अपने फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आगे आएगा वी जी
ई जी ई जी। अब ये जो हमारे पास प्लेट है वो ये जो जेड एक्सिस है हमारे पास यानी इस डायरेक्शन में, तो ये फिक्स है ना हमारे पास इजी। हमें देखना है कि हमारे पास इसके अंदर किस डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही है, तो वो हमारे पास दो डायरेक्शन में आएगी, वो हमारे पास है डी आर और डी थीटा। यानी हमें देखना है कि ये हमारे पास वेरिएशन इस प्लेट में किस डायरेक्शन में आई है, और यहाँ पे हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमारे पास एंड में डायमेंशन का प्रॉब्लम होगा। जब भी हम सिलेंड्रिकल में वर्क करते हैं, जब डी आर लगाते हैं साथ में इसको आर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब हमने इसकी लिमिट्स चेक करनी है, जो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास आर के लिए क्या लिमिट्स आएंगी। ये देखें, ये हमारे पास कहाँ से कहाँ मूव करता है, ये एक्सिस है, यहाँ से जीरो से रेडी शुरू होता है और आर तक जाता है, तो इसमें जो आर में हमारे पास वेरिएशन आएगी वो जीरो से आर तक होगी, और जो थीटा है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से टू पाई तक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हमारे पास हो जाएगा वन, और यहाँ पे वीजी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला जो हमने ऊपर वीजी कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, और जो हमारे पास इसमें से वैल्यूज इसमें डी आर और डी थीटा इन्वॉल्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। अंदर जो वैल्यू बचेगी उसमें सिर्फ हमारे पास आर इन्वॉल्व होगा, उसको हम आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पे, ये हमने उसके ऊपर लिमिट्स लगा दी, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थीटा के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये इसको इसके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेट किया तो वो सिर्फ थीटा आ जाएगा, फिर उस पर उसकी लिमिट्स लग गई, तो ये हमारे पास इन द एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का आंसर आ गया, जिसको हमने देखा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वही है जो ऊपर वी जी मैक्सिमम की आई थी, तो हमने इसकी जगह पे वी जी मैक्सिमम भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान भी एक रिलेशन बन गया हमारे पास, वी एवरेज और वी मैक्सिमम के दरमियान। यहाँ पर मैंने आपको जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का सिर्फ बताया कि वो आंसर निकला हुआ। ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको हमने भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाली गई थी, और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वी एवरेज इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये मैं सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में आपको सब कुछ बता रही थी, एरिया मैंने डिस्कस नहीं किया। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए जो हमारे पास, ये हमारे पास जो इसका सिलेंडर का एक्सिस है और ये जो प्लेट है, ये जो दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्शन ले रही हैं वो किस फॉर्म का होगा। देखिए ये इधर से प्लेट और इधर से जब इसको ये यूं कट कर रही है, तो आप देखिए इसके अंदर जो ये एरिया जो इस पाइप को और इस प्लेट को इंटरसेक्शन देगा वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म का होगा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म का, जिसका हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। वही हम क्यू को एरिया की जगह क्या लिखेंगे फिर, पाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक अलग से सेपरेट करने के बजाय एवरेज वेलोसिटी पहले निकाली है क्यू ओवर ए करके, तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये ए की। इसको जब हमने शॉर्ट किया तो फिर इन द एंड हमारे पास ये वैल्यू बची, जिसको हमने वापस देखा कि वो हमारे पास मैक्सिमम वीजी बनती है, तो उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी और उसके लिए भी एक रिलेशन बन गया। ये नेक्स्ट आप खुद करेंगे, ये पहले बताया हुआ आपको। उसके बाद ये वो जो पहले डिस्कस कर लिया है, आप शेयरिंग स्ट्रेस पे आ जाते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस का भी बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, कैसे हम 9 कंपोनेंट से जो है लेफ्ट कर जाते हैं सिर्फ विद 1 कंपोनेंट, और 9 में हमारे पास जो है वो 6 आ जाते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट और 3 डिपेंडेंट। तो इसमें से जब हमने सारी कंडीशंस पे पुट करनी है तो हमारे पास सिर्फ एक ये वाला बच जाएगा शेयर स्ट्रेस का 9 कंपोनेंट्स में से। याद है ना वो सारे 9 कंपोनेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको सारे। यहाँ जगह पर टा आर आर टा थीटा थीटा टा जी जी, और दूसरा हमारे पास आएगा टी आर थीटा टी आर जी, फिर टा टा
थीटा जी। सिमेट्रिक होने की वजह से ये जो है इक्वल होगा किसके, टा थीटा आर, टा जी आर और टा जी थीटा के। तो हमारे पास जब हम इन सब के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने शुरू में ली थी, तो हम सिर्फ लेफ्ट कर जाएंगे इसके साथ टी आर टा आर जी के साथ, जो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग देखते हैं ये आता इक्वल माइनस म्यू डी वी जी ओवर डी आर की, और इसके अंदर हम इसकी डी वी जी ओवर डी आर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसका हम उसको उसके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने सिर्फ देखा है कि हमारे पास ये आया है शेयर स्ट्रेस, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गई है। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि हमारे पास जो है वो वॉल पर क्या आ रही है, जो एक्सिस के पास क्या आ रही है, तो वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं इस आर की वैल्यू को चेंज करके। अगर हम यहाँ पे आर की जगह पुट कर दें जीरो, तो हमारे पास एक्सिस के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस की कंडीशन शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगी, और अगर हम इस आर की जगह पुट कर दें कैपिटल आर, तो हमारे पास वॉल के ऊपर जो उसकी हमारे पास सिलेंडर की बाउंड्री थी उस पर हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये भी आप खुद ही दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दफा आर को जीरो पुट करके, एक दफा आर को कैपिटल आर पुट करके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी रिलेशन इस तरह आएगा कि उसके अंदर भी मैक्सिमम वीजी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो हम इसको कहते हैं कि हम इसको कैपिटल आर के ऊपर इस तरह से भी लिख सकते हैं वीजी मैक्सिमम की वैल्यू में। और फर्दर एक और रिलेशन निकाला हुआ है कि हम इसको एवरेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने अपने आज के टॉपिक में यही फाइव चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो हमने कर ली हैं। और एक और बात मैंने कहा था कि सारी वैल्यूज आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन मैंने अगेन सारी कैलकुलेट करके दिखा दी हैं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये आप सारी खुद कैलकुलेट करेंगे पाँचों चीज़ें, ठीक है।